हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 19 जुलाई 2022। सबसे पहले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको कल दिए थे आंसर करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसेंटली टॉप द एनआईआरएफ रैंकिंग इन रिसर्च कैटेगरी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आईआईटी मद्रास। सेकेंड है, नमसाई डेक्लरेशन वॉज साइन बिटवीन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए डेक्लरेशन साइन की गई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 4। आर्मेनिया शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। न्यू एमसीक्यूज देख लेते हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, कल हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन द इको सेंसिटिव जोन्स। सेकेंड है, बोनालू फेस्टिवल इज अ ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। थर्ड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ इज, इंटरनेशनल जस्टिस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। तो ये आंसर्स आपने देने हैं। फर्स्ट न्यूज देख लेते हैं, पैनल बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है जो स्टडी करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एंड नेचुरल फार्मिंग को, और गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस देगी। डिटेल में पढ़ लेते हैं, सेंटर ने कमेटी गठित की है यहाँ पे, जिसको हेड करेंगे फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, दैट इज संजय अग्रवाल। और सब्जेक्ट मैटर क्या होगा कमेटी का, कि सजेशंस देना एमएसपी को कैसे ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। एमएसपी के बारे में पढ़ लेते हैं, एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब फार्म प्रोड्यूस के प्राइजेस गिर जाते हैं उस टाइम पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट में और फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो एश्योर करती है, अनाउंस करती है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर जब सोइंग सीजन स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, तो आपने ये याद रखना, सीएसीपी जो है रिकमेंडेशंस देती है। ये कॉन्सेप्ट जो था फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1966 में विद द ग्रीन रेवोल्यूशन। हालांकि ये लीगली मैंडेटेड नहीं है, बट किसान जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिमांड कर रही हैं कि इसको लीगलाइज किया जाए। इट मींस गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग बनाया जाए कि गवर्नमेंट को वो एमएसपी जो है पे करना ही पड़ेगा। देन 25 मेजर एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज के ऊपर है ये। इसमें 14 क्रॉप्स जो है खरीफ सीजन की हैं, 7 क्रॉप जो है रबी सीजन की हैं। इसके अलावा एमएसपी जो है वो कोपरा, डी हस्क्ड कोकोनट, जूट, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा शुगर केन के लिए वी हैव फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइजेस। फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइजेस जो है वो शुगर मिल्स पे करती हैं किसानों को, ना कि गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। खरीफ क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स बेसिकली मॉनसून के टाइम पे इनको सो किया जाता है, मतलब मॉनसून शावर, जो फर्स्ट मॉनसून शावर होता है उस टाइम पे इनको लगा दिया जाता है, सोइंग कर दी जाती है, और सितंबर अक्टूबर के आसपास इनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल अपने याद रखने हैं, जैसे कि राइस है, देन मेज, बाजरा, सोयाबीन एंड कॉटन, ये है खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो हैं इनको विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। ये अक्टूबर नवंबर के अराउंड जो है इनकी सोइंग की जाती है, और स्प्रिंग सीजन में, दैट इज मार्च अप्रैल में, इनकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। इसके एग्जाम्पल अपने याद रखने हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, देन मस्टर्ड, कुछ पल्सीज हैं, ये सारा आपने याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये आपने याद रखना है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं, जागृति मैस्कोट जो है ये लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, जो कंज्यूमर्स को एम्पावर करेगा और अवेयरनेस जो है उनकी राइट्स की उसको जनरेट करेगा। जो कंज्यूमर्स हैं उनको अवेयरनेस देना उनकी राइट्स क्या है बेसिकली, उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैस्केट है, टैगलाइन है जागो ग्राहक जागो। और इसमें जो वेरियस थीम्स हैं, जैसे कि प्रोविजंस जो है कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट की, इसके बारे में अवेयरनेस देना, हॉल मार्किंग के बारे में, इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर जो है 1915, मतलब 1915 जो है ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है कंज्यूमर्स के लिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये इनिशियली आया था 1986 में, बट एक न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई गवर्नमेंट, दैट इज इन 2019। इसके प्रोविजन हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपने यहाँ पे याद रखनी है। हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की है मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप, डिटेल में पढ़ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस नारायण राणे ने लॉन्च किया है रेपोसपे एंड फाइजिटल, डिटेल में देखते हैं। रेपोसपे क्या है, इसके थ्रू
पर्सन जो है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल ऑर्डर कर सकता है ऐप के थ्रू अपने व्हीकल को चार्ज करने के लिए। देन फाइजीटल का मतलब क्या है, ये फिनटेक प्लेटफॉर्म है। इसमें आप कंज्यूमर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी उनको मिल सकती है। इसका मेन वो क्या है, ऑब्जेक्टिव बाय नाउ पे लेटर, कि अभी आप परचेज कर लो बट इसकी पेमेंट जो है वो आप फ्यूचर में दे सकते हो, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, जो इस्टेब्लिश की थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। इनको अवार्ड मिला है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 इन लार्ज इंस्टीट्यूट कैटेगरी में, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। और ये अवार्ड दिया गया है 94th फाउंडेशन डे पे ICAR की। ICAR के बारे में पढ़ लेते हैं। ICAR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 16 जुलाई 1929 में एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ये, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ये एक एपेक्स बॉडी या हाईएस्ट बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेज, ये भी जो है आईकार के अंडर आते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में हैदराबाद में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऐसे इश्यूज को एड्रेस करना जो रिलेटेड है एग्रीकल्चरल रिसर्च से, इसके अलावा एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए, इट मीन्स एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है। इसराइल बेस्ड कंपनी है फिनर्जी। इसके अलावा IOC फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसके लिए एल्यूमिनियम एयर बैटरीज डिजाइन करने के, डेवलप करने के लिए। IOC फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है, IOP, ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन फिनर्जी एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में। एल्यूमिनियम एयर बैटरी के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम एयर बैटरीज में बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन जो एयर में होती है, जो रिएक्ट करती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, और जिसमें एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसके बेनिफिट क्या है, सस्ती है कंपेरेटिवली अगर बाकी बैटरी से हम देखें। एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, और अभी जो है लिथियम आयन बैटरी ज़्यादातर यूज़ होती हैं, बट उसके ऑल्टरनेटिव जो है यहाँ ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें से एलुमिनियम एयर बैटरी वन ऑफ देम है। ये मच ग्रेटर रेंज है इसकी, 400 किलोमीटर के अराउंड और मोर पर बैटरी एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। और लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम रेंज की बात करें तो 150 से 200 किलोमीटर जो है ये चल सकती हैं, वेयर एज जो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज हैं ये 400 किलोमीटर रेंज तक की एनर्जी आपको दे सकती हैं। कुछ चैलेंजेस है हालांकि इसमें, जैसे ये रिचार्ज इनको करना इतना ईजी नहीं है, और इससे क्या होगा कि लार्ज स्केल यूज़ जो है एल्यूमिनियम एयर बैटरी का, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन चाहिए होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिचार्जिंग ईजी नहीं है। बैटरी स्टेशन जो होंगे, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, जिसमें आप अपनी बैटरी स्वैप कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इनकॉर्पोरेशन शुड अलाइन एफर्ट्स विद अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड ट्रेड एरियाज एजेंडा फॉर बेनिफिट्स टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे कहा गया कि इंडिया जो है उसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के साथ जो है कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, ताकि दोनों ही पक्ष जो हैं, अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया, दोनों को बेनिफिट हो सके। क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, इसको पढ़ लेते हैं। इट एम्स टू क्रिएट अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट, सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट बनाना चाहते हैं ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, इसमें फ्री मूवमेंट होगी पीपल की, इसके अलावा कैपिटल की फ्री मूवमेंट, और ये एक तरह से क्या होगा, कॉन्टिनेंटल कस्टम यूनियन की तरह काम करेगा। देन FTA बेसिकली होता क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें जो बॉर्डर ट्रेड है उसको ईज किया जाता है, टैरिफ जो है, कोटास जो है, सब्सिडीज, ऐसी चीज़ों को रिड्यूस किया जाता है, ताकि एक जो कंट्रीज हैं वो फ्रीली ट्रेड कर सकें, कम से कम बैरियर्स हों ट्रेड में। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन बन जाएगा सिंस WTO, देन वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस होगा इसका, और खासकर उन कंट्रीज पे जो बहुत ज़्यादा रिलायंट है अफ्रीकन मार्केट्स के ऊपर और उसकी कमोडिटीज़ के ऊपर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, एक्रा, दैट इज़ इन घाना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस करना टैरिफ को एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को। 54 कंट्रीज इसकी अराउंड मेंबर्स हैं, हालांकि सबने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू टार्डिग्रेड स्पीशीज डिस्कवर हुई है कजाकिस्तान में, कॉर्नेस्टिनिस्कस मेस्टेनिकस स्पीशीज का नाम है, किर्गिस्तान, अर्जेंटीना एंड इटली में भी ये पाई गई है।
टार्डिग्रेड के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डिस्कवर किया गया था इसको 1773 में। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक इन्वर्टिब्रेट है ये, पिक्चर में क्लियर हो रहा है। इन्वर्टिब्रेट का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जिनकी बैकबोन नहीं होती है। देन ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनको वाटर बियर्स और मॉस पिगलेट्स भी कहा जाता है। मैक्सिमम एज जो है स्पीशीज की अराउंड 60 ईयर्स है, और इनका मैक्सिमम साइज जो है 0.5 mm है। मरियाना ट्रेंच में भी ये स्पीशीज पाई गई है। इट मीन्स इससे क्या पता लगता है कि हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में भी ये इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकाथॉन सीरीज जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। फर्स्ट हैकाथॉन है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर, कंक्लूड की गई है ये 17 जुलाई 2022 को। इसको ऑर्गेनाइज किया है एज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन कोऑर्डिनेशन विद पुणे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस हैकाथॉन के दौरान काफ़ी टीम्स जो थी यहाँ पे, जिसमें इनोवेटर्स थे, डाटा एक्सपर्ट्स थे, डेवलपर्स थे, इन्होंने ज्वाइन किया था फिजिकल मोड में एज वेल एज वर्चुअल मोड में। इन्होंने कोलैबोरेट किया ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो डेवलप कर सकें। मेन इसका फोकस क्या है हैकाथॉन का, कि हेल्थ स्टार्टअप को मोबिलाइज करना। देन ऑब्जेक्टिव जो है इसका कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल को साथ लेकर आना, ताकि हेल्थ सेक्टर में एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो डेवलप किए जा सकें। आयुष्मान भारत, अपने याद रखना, आयुष्मान भारत मिशन जो है इसके अंडर गवर्नमेंट 5 लाख पर फैमिली पर ईयर जो है यहाँ पे गवर्नमेंट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, कि ऐसे हॉस्पिटल्स जिनको गवर्नमेंट ने रेकग्नाइज किया है, इम्पैनल्ड किया है, वहाँ पे भी जो है आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 5 लाख का इंश्योरेंस है पर फैमिली है, पर ईयर है। नेक्स्ट देखते हैं, कालाजर के कुछ केसेस जो हैं वेस्ट बंगाल में पाए गए हैं। 65 कालाजर केसेज वर रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हालांकि इसका आउटब्रेक नहीं कहा गया अभी तक, क्योंकि जो लिमिट सेट की है गवर्नमेंट ने उससे काफ़ी नीचे है ये अभी। और यूनियन गवर्नमेंट का एम क्या है कि रिड्यूस करना काला अजर को, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर। लेस देन 1 per 10,000 पॉपुलेशन, मतलब लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल इन अ बिड टू एलिमिनेट द डिजीज, ये टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वेस्ट बंगाल के अलावा ये उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड में भी इसके केसेस पाए गए हैं। पढ़ लेते हैं काला अजर के बारे में। काला अजर और ब्लैक फीवर, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, विसरल लेशमैनियासिस कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोअन पैरासाइट डिजीज है। ये पैरासाइट से होता है, लेशमानिया डोनोवेनी से। सैंड फ्लाई है फ्लेबेटोमाइन अर्जेंटिपस, जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। कॉज क्या है कालाजर का, वीक इम्यून सिस्टम, माल न्यूट्रिशन, पुअर हाउसिंग, और जो पुअरेस्ट पीपल हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन, इरीगेशन, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, अर्बनाइजेशन, इस वजह से भी ये डिजीज जो है फैल रहा है। सिम्टम्स क्या है, एज पर WHO फीवर हो सकता है, स्प्लीन और लीवर जो है उसका साइज बढ़ जाता है, वेट लॉस एंड एनीमिया। ट्रीटमेंट क्या है काला अजर का, इसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जैसे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह। पैरासाइटोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, जिसमें पैरासाइट की प्रेजेंस यहाँ पे डिटेक्ट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, IOC दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है बाइकर्स कैफे नियर शिमला। शोगी एक जगह है शिमला में, वहाँ पे पेट्रोल पंप है IOC का, वहाँ पे बाइकर्स कैफे ओपन किया है। इस बाइकर कैफे में फैसिलिटीज जैसे रेस्टिंग प्लेस, मोटरसाइकिल पार्किंग, इसके अलावा कुछ आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी जैसे सनस्क्रीन, लोशन, टेरापोलिन्स, इसके अलावा वाईफाई फैसिलिटीज भी यहाँ पे बाइकर्स इंजॉय कर सकते हैं। सो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच।